afternoon, student. Today I will start a disorder of adult. Definition of precocious puberty. ठीक है, precocious puberty is defined as the onset of secondary sexual characteristics before 8 year of age in girls and 9 year in boys. ठीक है, जो precocious puberty क्या है, जब sexual जो secondary sexual characteristics हैं वो before 8 year of age इन गर्ल्स में दिखने लगते हैं और बिफोर 9 ईयर इन बॉयज़. ठीक है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स गर्ल्स में होते हैं ब्रेस्ट, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी अंडर आर्म हेयर, चेंजेस इन वॉइस, चेंजेस इन स्किन, इंक्रीज विथ इन डेप्थ ऑफ पेल्विस. जब इंक्रीज विथ और डेप्थ हो जाती है पेल्विस की, मस्कुलर डेवलपमेंट. और बॉयज़ में होते हैं प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी अंडर आर्म हेयर, मस्कुलर डेवलपमेंट, फेशियल हेयर, चेंजेस इन वॉइस, चेंजेस इन स्किन और ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, कंप्लीट में आएगा सेंट्रल गोनाडोट्रोपिन डिपेंडेंट प्यूबर्टी GDPP और पेरिफेरल में आएगा गोनाडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट प्यूबर्टी GIPP. इनकम्प्लीट में आएगा प्रीमैच्योर थिलार्के, प्रीमैच्योर पिपार्के, प्रीमैच्योर मीनार्के. तो गोनाडोट्रोपिन डिपेंडेंट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी GDPP को हम क्या बोलते हैं, ट्रू प्रिकॉशियस प्यूबर्टी. अर्ली एक्टिवेशन ऑफ एंटायर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल HPG-axis. जब क्या हो जाता है, अर्ली हो जाता है एक्टिवेशन ऑफ एंटायर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल HPG-axis का, और ये इसकी वजह से कॉज करता है सिक्रेशन ऑफ हाई एम्पलीट्यूड पल्सेस ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. जब क्या होता है, हाई सिक्रेशन होता है हाई एम्पलीट्यूड पल्सेस ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का बाय द हाइपोथैलेमस. नेक्स्ट, ऑल्दो द ऑनसेट इज, इसका ऑनसेट क्या होता है, अर्ली होता है, पैटर्न एंड टाइमिंग क्या होता है, यूजली प्रोग्रेसेस होता है इन नॉर्मल सिक्वेंसेस. नेक्स्ट, गोनाडोट्रोपिन डिपेंडेंट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी नॉन सीएनएस लेजन में क्या होता है, इडियोपैथिक मतलब अननोन कॉज, जेनेटिकली होता है, प्रॉब्लम अनट्रीटेड सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म. जब क्या होता है, जो प्रॉब्लम और प्रोलॉन्ग्ड अनट्रीटेड, जब हम क्या होते हैं प्रोलॉन्ग्ड हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट नहीं करते हैं. ठीक है, सीएनएस लेजन में सीएनएस ट्यूमर, सीएनएस इरेडिएशन में जब हम रेडिएशन देते हैं गामा रेज का सीएनएस में, जिससे क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस हो जाते हैं और हाइड्रोसिफेलस, सिस्ट, ट्रोमा, सीएनएस इन्फ्लेमेटरी डिजीज. नेक्स्ट, कंडीशन अगर एटलीस्ट 5 to 10 fold तक चलती है या फिर मोर फ्रिक्वेंटली इन गर्ल्स होती, गर्ल्स में ज़्यादा होती है देन द बॉयज. अप्रॉक्सीमेटली 90% सेक्सुअल प्रिकॉसिटी इन गर्ल्स में होती है इडियोपैथी, जिसका कोई कॉज नहीं होता. और 75 बॉयज़ हैव अ स्ट्रक्चरल सीएनएस अबनॉर्मलिटीज, और 75 बॉयज़ में क्या होता है, सीएनएस स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटीज होती है. नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ सीएनएस लीजन हाइपोथैलेमिक हेमाटोमास. हेमाटोमास मीन्स मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं. ये क्या करता है, मोस्ट कॉमन ब्रेन लीजन कॉजिंग करता है ट्रू प्रीकॉशियस प्यूबर्टी. हेमाटोमास आर नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ऑफ द ट्यूबर सिनेरियम, और ये कंसिस्ट करते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लियास. ठीक है, एक्टोपिकली लोकेटेड होते हैं न्यूरल टिश्यू कंटेनिंग GnRH सिक्रेटरी न्यूरॉन्स एंड, और इसका फंक्शन क्या होता है, असिस्टरी GnRH पल्स जनरेटर, क्या करता है, पल्स को जनरेट करता है. नेक्स्ट, अदर ट्यूमर होते हैं एस्ट्रोसाइटोमा इज अ ट्यूमर ऑफ ब्रेन. ऑप्टिक एंड हाइपोथैलेमिक ग्लियोमा, मतलब ऑप्टिक नर्व में क्या हो जाता है, जब ट्यूमर क्रिएट हो जाता है. नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ सीएनएस लीजन, जब रेडिएशन थेरेपी देते हैं हम ल्यूकेमिया और इंट्राक्रेनियल ट्यूमर के लिए, तो रेडिएशन कहाँ डायरेक्ट कहाँ जाता है, हाइपोथैलेमिक एरियाज में और एरियाज ऑफ द ब्रेन एनाटॉमिकली डिस्टेंट फ्रॉम हाइपोथैलेमस, और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी. नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बिगिन एट एनी एज, फॉलो द सिक्वेंस ऑब्जर्व इन नॉर्मल प्यूबर्टी. ठीक है, गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट कम फर्स्ट, प्यूबिक हेयर में अपीयर साइमल्टेनियसली बट मोर ऑफन लेटर. ठीक है, अपेयर होते हैं साइमल्टेनियसली लेकिन लेट में. मीनार्के इज अ लेट इवेंट, इरेगुलर साइकिल एंड यूजुअली एन ओवुलेटरी. द प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट्स अकली अर्ली इन फीमेल प्यूबर्टी, और प्यूबर्टल ग्रोथ होता है फीमेल प्यूबर्टी में अर्ली. ठीक है, देखिए पिक्चर्स में. नेक्स्ट, इन बॉयज में क्या होता है, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट होता है, एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस होता है, एक्सिलरी हेयर होते हैं, एक्ने होता है, और बॉयज डिपेंड होती है. ठीक है, इरेक्शन और कॉमन, इरेक्शन मीन्स जब बॉयज़ का पेनिस क्या हो जाता है, हार्डनिंग और एनलार्जमेंट होने लगता है. स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स जब स्पर्म सेल डेवलप होती है, ऑब्जर्व एज अर्ली 5 to 6 years में देखने को मिलता है. ठीक है, इन बोथ जेंडर हाइट वेट एंड ऑसिस मैच्योरेशन आर एडवांस हो जाती है विदाउट ट्रीटमेंट 30% अर्ली क्लोजर एपिफाइसिस. एपिफाइसिस मीन्स जो बोन का लास्ट पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है. हाइट हो जाती है लेस देन 5th percentile एज अडल्ट. इमोशनल एंड मूड स्विंग्स आर कॉमन होते हैं. इंट्राक्रेनियल लीजन में क्या होता है, हेमाटोमास होता है, हाइपोथैलेमिक साइन होते हैं डायबिटीज, इंसिपिटस, हाइपोथर्मिया, अननेचुरल क्राइंग और लाफिंग, या जिलास्टिक सीजर भी बोलते हैं. ठीक है, कैकेक्सिया,
क्या किक्सा मीन्स वीकनेस फास्टिंग ऑफ मसल, ठीक है। इन ऑप्टिक ग्लियोमा में प्रोप्टोसिस, प्रोप्टोसिस मीन्स जब पेशेंट की जो आईबॉल है वो प्रोट्यूजन होने लग जाता है, ठीक है। इन रेडिएशन ऑफ ब्रेन साइन ऑफ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, इसमें क्या होता है जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो उसकी डेफिशिएंसी दिखने लगती है। नेक्स्ट गोनाडोट्रोफिन इंडिपेंडेंट प्रिकॉशस प्यूबर्टी GIPP इंडिपेंडेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट ऑफ गोनाडोट्रोफिन सिक्रेशन एंड नॉन एक्टिवेशन ऑफ HPG, इसमें क्या होता है गोनाडोट्रोफिन का एक सिक्रेशन होता है और नहीं होता एक्टिवेशन ऑफ HPG एक्सिस का, ठीक है। इससे हम क्या बोल सकते हैं प्रीकॉशियस स्यूडो प्यूबर्टी कॉजेज बाय एक्सेस सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, किसकी वजह से होता है एक्सेस सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और एंड्रोजन के, ठीक है। डिराइव्ड आइदर फ्रॉम द गोनाड और एड्रिनल ग्लैंड, और ये कहाँ से मिलते हैं गोनाड और एड्रिनल ग्लैंड से और फ्रॉम एक्सोजिनस सोर्सेज से, ठीक है। कॉजेज ऑफ GIPP गर्ल्स में होता है ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन ट्यूमर्स, ग्रैनुलोसा, थेका सेल ट्यूमर, बॉयज़ में होता है लीडिंग सेल ट्यूमर, लीडिंग सेल ट्यूमर। लीडिंग सेल ट्यूमर इज अ ट्यूमर ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर, ठीक है। और क्या होता है ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफिन सिक्रेट करते हैं जर्म सेल ट्यूमर, ठीक है। फेमिलियल मेल लिमिटेड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोथ इन बॉयज एंड गर्ल्स एक्सोजिनल एस्ट्रोजन एड्रिनल पैथोलॉजी एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर एंड CAH टेरेटोमा यूकेन एल्ब्राइट सिंड्रोम। यूकेन एल्ब्राइट सिंड्रोम क्या होता है इसमें यह अफेक्ट करता है बोन एंड स्किन को, इसमें क्या होता है पता है स्कार लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे फाइब्रस टिश्यू में। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन मेजरमेंट करेंगे हाइट वेट एंड कैलकुलेशन ऑफ हाइट वेलोसिटी प्यूबर्टल स्टेजिंग में हम इन गर्ल्स में देखेंगे ब्रेस्ट स्टेजिंग और प्यूबिक हेयर, बॉयज़ में देखेंगे हम टेस्टिकुलर वॉल्यूम पेनाइल साइज प्यूबिक हेयर। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम पालपेट करेंगे फॉर मास इन ओवेरियन सिस्ट एंड ट्यूमर। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखेंगे। आई एग्जामिनेशन करेंगे फंडोस्कोपी करेंगे हम लुक फॉर पेपिलोडोमा इन सीनस लीजन। विजुअल फील्ड करेंगे लुक फॉर साइन ऑफ विरिलाइजेशन इन फीमेल एम्बिजीनियस जेनाटेलिया। एम्बिजीनियस जेनाटेलिया मतलब जो जेनेटाइल एरिया है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। हर्चुरिज्म मीन्स जब मेल पैटर्न में हेयर ग्रोथ होता है फीमेल के फेस में बैक में, ठीक है। और डर्मेटोलॉजिकल एग्जाम करेंगे टू इवेल्युएट कैफुलेट स्पॉट इन मैकेन एल्बाइट सिंड्रोम। मैकेन एल्बाइट सिंड्रोम इज द कंडीशन ऑफ स्किन एंड बोन, इसमें क्या करता है स्किन और बोन पर इफेक्ट होता है, इसमें स्कार लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है फाइब्रस टिश्यू में। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम सीरम LH कंसनट्रेशन, इसमें हम अगर इफ़ पेशेंट लेवल ऑफ LH आर लो और इंटरमीडिएट है तो क्या होगा इफ़ LH एंड FSH लेवल नॉट इंक्रीज विद GNS स्टिमुलेशन GIPP होगा, ठीक है। इफ़ LH एंड FSH लेवल इंक्रीज विद GnRH स्टिमुलेशन तो GDPP होगा। फिर नीचे आएंगे इफ बेसल लेवल ऑफ LHR मार्केटली एलिवेटेड होगा तो कंफर्म हो जाएगा GDPP। अदर इन्वेस्टिगेशन हम सेक्स हार्मोन देखेंगे टू एस्टेब्लिश डिग्री ऑफ बायोकेमिकल प्यूबर्टल एनहांसमेंट, ठीक है। बायोकेमिकल प्यूबर्टल एनहांसमेंट को देखने के लिए हम सेक्स हार्मोन चेक करेंगे। सीरम एस्ट्रोडियोल अगर लो है तो अनडिटेक्टेबल इन अर्ली फेज ऑफ सेक्शुअल प्रिकॉसिटी होगा। अगर सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल आर डिटेक्टेबल होगा तो क्लियरली एलिवेटेड होगा। थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे हम टू बी डन इफ देयर इज एनी क्लिनिकल एविडेंस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। रेडियोग्राफिक असेसमेंट ऑफ बोन एज देखेंगे इफ द पेशेंट हैज अ नॉर्मल बोन एज ही और शी अनलाइकली टू हैव GDPP। फिर करेंगे हम सेवरल टू आइडेंटिफाई द पेरिफेरल कॉजेज ऑफ प्रीकॉशियस प्यूबर्टी GIPP। सेवरल इज टू आइडेंटिफाई द पेरिफेरल कॉजेज ऑफ प्रीकॉशियस प्यूबर्टी GIPP। तो इसमें हम सीरम टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोडियोल देखेंगे, सीरम LH एंड FSH देखेंगे, रीनल प्रोफाइल चेक ऑन डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी। जब एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होती है तो हम चेक करेंगे डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फिर हम कॉर्टिसोल देखेंगे तो स्क्रीन फॉर कुशन सिंड्रोम। कुशन सिंड्रोम में क्या होता है जो कॉर्टिसोल लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड करेंगे टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ ओवेरियन सिस्ट और ट्यूमर। अल्ट्रासाउंड और ऑफ टेस्टिस करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ लीडिंग सेल ट्यूमर। लीडिंग सेल ट्यूमर क्या होता है ये टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ GDPP टू ट्रीटमेंट ऑप्शन डिपेंड अपॉन द कॉजेज ऑफ प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है। ट्रीटमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है कॉजेज ऑफ प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। इफ GDPP इज कॉज बाय आइडेंटिफाइबल सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीजन थेरेपी इज डायरेक्टेड टूवर्ड द अंडरलाइंग पैथोलॉजी। तो क्या अगर GDPP CNS लीजन की वजह से हो रहा है तो हम क्या करेंगे थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे अंडरलाइंग पैथोलॉजी। फॉर मोस्ट पेशेंट द GDPP
प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑप्शन करेंगे हम गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस और GnRH एगोनिस एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे स्लो एक्सेलरेटेड प्यूबर्टी एंड इम्प्रूव फाइनल हाइट. नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ GIPP डज नॉट रिस्पॉन्ड टू GnRH एगोनिस थेरेपी इंसिस ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड एट द अंडरलाइंग पैथोलॉजी. तो हम इसमें ट्रीटमेंट करेंगे अंडरलाइंग पैथोलॉजी को देखते हुए. Children with tumors of the testis, adrenal gland and ovary treated by surgery. Those with HCG secreting tumors require some combination of surgery, radiation therapy, chemotherapy depending upon the site and histological type. Management of GIPP, a large functioning follicular cyst of the ovaries is developed and regress spontaneously. So, हम conservative management करेंगे. Children whose sexual precocity is caused by exposure to exogenous sex steroid, the exposure एंड आइडेंटिफाई करेंगे एंड रिमूव करेंगे. चिल्ड्रन में आइडेंटिफाइड डिफेक्ट इन एड्रेनल स्टेरॉयडोजेनेसिस तो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी देंगे. इनकम्प्लीट प्रीकॉशियस प्यूबर्टी डेफिनेशन आइसोलेटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रीकॉसिटी विदाउट डेवलपमेंट ऑफ अदर साइन ऑफ प्यूबर्टी. इसमें क्या होता है आइसोलेटेड मैनिफेस्टेशन होते हैं प्रीकॉसिटी के और विदाउट डेवलपमेंट ऑफ अदर साइन ऑफ प्यूबर्टी. इनकम्प्लीट में होता है प्रीमैच्योर थिलार के प्रीमैच्योर पिबार के प्रीमैच्योर मीनार के तो प्रीमैच्योर थिलार के. ट्रांजिट कंडीशन होती है इसमें आइसोलेटेड ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है. मोस्ट कॉमन अपीयर होता है 2 ईयर ऑफ लाइफ ओफन परसिस्ट ऑफ 3 to 5 ईयर एंड रेयरली प्रोग्रेसिव होता है. मोस्टली इडियोपैथिक होता है आइदर रिमिट स्पॉन्टेनियसली और आर वेरी स्लोली और प्रोग्रेसिव होता है. नो अदर साइन ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट एंड दियर ग्रोथ रेट इज नॉर्मल. इसमें कोई प्यूबर्टल डेवलपमेंट के साइन नहीं होते और ग्रोथ रेट नॉर्मल होता है. सीरम एस्ट्राडियोर यूजुअली नॉर्मल होता है. इसका मैनेजमेंट है हम रीअश्योरेंस एंड मॉनिटरिंग रेगुलरली फॉर एनी अदर साइन ऑफ प्यूबर्टल एडवांसमेंट. हम इसमें रीअश्योरेंस करेंगे मॉनिटरिंग करेंगे रेगुलरली फॉर एनी अदर साइन ऑफ प्यूबर्टल एडवांसमेंट. प्रीमैच्योर पिबार के अपीयरेंस ऑफ सेक्सुअल हेयर बिफोर 8 ईयर ऑफ एज इन गर्ल्स और 9 ईयर इन बॉयज़ विदाउट अदर एविडेंस ऑफ मैच्योरेशन. इसमें क्या होगा सेक्सुअल हेयर अपीयरेंस होगी बिफोर 8 ईयर ऑफ गर्ल और बिफोर 9 ईयर ऑफ बॉयज़. ठीक है स्लोली प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है डेट रिक्वायर नो थेरेपी. इसमें कोई थेरेपी की जरूरत नहीं है. लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जर्वेशन सजेस्ट डेट 50% अफेक्टेड गर्ल्स आर द हाई रिस्क ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म. इसमें क्या होता है एंड्रोजन क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है. प्रीमैच्योर मेनार्के डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन आइसोलेटेड वेजाइनल ब्लीडिंग होगी इन द एब्सेंस ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें क्या होगा आइसोलेटेड वेजाइनल ब्लीडिंग होगी और एब्सेंस ऑफ अदर सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी रेयर होता है. केयरफुली एक्सक्लूड वल्वो वेजाइनाइटिस. इसमें क्या हो जाता है वेजाइना में इन्फ्लामेशन हो जाता है फॉरेन बॉडी होगा और सेक्सुअल अब्यूज होगा. तो थैंक यू क्लास.